Lecture 8, discriminating between the need of the self and the body. पिछले लेक्चर में हमने जाना कि मानव सह अस्तित्व है मैं और शरीर का. अब हमें इसकी आवश्यकताओं को और डिटेल में, मानव की आवश्यकताएं, मैं और शरीर के रूप में जो आवश्यकताएं हैं, के लेवल पे आवश्यकताएं हैं, उनको डिटेल में समझने के लिए इस लेक्चर में आते हैं. ये जरूरी भी है आवश्यकताओं को समझना कि मैं की आवश्यकता क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है, जो कि वास्तव में हमारी ज़रूरतों को सही से आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस, लगातार सुखपूर्वक और समृद्धिपूर्वक रह पाने में समर्थ हों. तो आइए चलते हैं डिटेल्स में कि शरीर और मैं की आवश्यकताएं क्या हैं, किस तरह से दोनों में भिन्नताएं हैं. इसको समझने के लिए मैंने जो आई की आवश्यकताएं हैं और शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पे बांटा है. इसमें पहला है कि द नीड ऑफ आई इज हैप्पीनेस. जो हमारी जो आई की नीड है, मैं की नीड है, ह्यूमन बीइंग में दो पार्ट थे. पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि आई और बॉडी, मैं और शरीर, दोनों के अस्तित्व से मानव की रचना होती है. तो इसमें आई की जो आवश्यकता है, मैं की आवश्यकता है, वो है सुख, हैप्पीनेस, जो आधारित है फीलिंग्स, भाव पे, जिसमें कि एक एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट, दूसरा है ट्रस्ट, मतलब सम्मान और ट्रस्ट जैसे भाव हैप्पीनेस प्रदान करते हैं. इसी तरह से अब दूसरे लेवल पे आते हैं, जो दूसरा पार्ट है मानव का, दूसरा भाग है वो शरीर. शरीर की आवश्यकताएं, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, सुविधा है, और सुविधाएं वो भी सीमित मात्रा में चाहिए, क्योंकि मानव का स्वभाव क्या होता जा रहा है आज के डेट में, संग्रह करने का. तो संग्रह करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं. जैसे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ जो शरीर की आवश्यकता है, उसमें मुख्य है खाना, फूड, क्लोथ, कपड़े, ये सारी चीज़ें. तो ये सुविधा का पार्ट हो गई, जो कि शरीर की आवश्यकता है, जो कि सीमित मात्रा में जरूरी है. जो सुख की आवश्यकता है, मैं की, वो हमें लगातार चाहिए, कॉन्टिन्यूस है. और इसी तरह से जो सुविधा की आवश्यकता है, वो इंटरमिटेंट है, नॉट टेम्प्रोरी. मतलब हमें आवश्यकताएं जो है लगातार, हमारी शरीर की आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन वो आवश्यकताएं जैसे कि खाना है, वायु है, हवा, एयर फॉर ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग वाटर है, ये आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन लगातार नहीं चाहिए मुझे, या किसी व्यक्ति को लगातार नहीं चाहिए, उसको जो है कुछ अंतराल पे चाहिए. अब इवन ब्रीदिंग एयर है, वो भी जो है कुछ क्षण के लिए इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो उसमें भी एक ब्रेक होता है. तो वायु जो एयर है, ब्रीदिंग का प्रोसेस का, उसमें जो है कुछ क्षण के लिए जो है वो एयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहरी एयर की, ठीक है. तो इस तरह से जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, और सुख की आवश्यकता जो मैं की है, आई की है, वो लगातार. अब ये तो हमने समझा कि आवश्यकता सुख और सुविधा की शरीर और मैं के आधार पे. अब किस तरह से जो सुविधा का पैटर्न है हमारी लाइफ में, क्योंकि ज़्यादातर हम समय दे रहे हैं सुविधा पे, तो किस तरह से आवश्यकताएं जो है वो चेंज हो रही हैं, उसका पैटर्न समझते हैं. समय के रिगार्डिंग सक्सेसिवली चेंज किस तरह से हो रही है समय के आधार पे, टाइम के सीक्वेंस में, रिस्पेक्ट में. तो शरीर की आवश्यकता, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शरीर की आवश्यकता जो कि फूड है, वो जब हम भूखे होते हैं, हंग्रीनेस होती है, तो वो उस केस में नेसेसरी होता है, वो हमारे लिए आवश्यक होता है.
और वो जो खाना है वो हमें उसका टेस्ट भी महसूस, टेस्टफुल भी लगता है। दूसरी चरण में जब हम खाना और आवश्यकता से अधिक खाते हैं, तो क्योंकि हमें भूख नहीं, तो इसलिए वो हमारे लिए बेकार या अत्यधिक होने की वजह से उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन टेस्ट फुल उसका अभी भी टेस्ट हम महसूस कर रहे होते हैं। तो खाना खा रहे होते हैं लेकिन भूख खत्म हो चुकी होती है, इसलिए अननेसेसरी, लेकिन अभी भी टेस्ट है। लेकिन और ज़्यादा खाना खाने पे क्या होगा, हम जो है अब टेस्ट भी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो जो टेस्ट है वो हमारे लिए पेन हो जाएगा, उसकी जो स्मेल भी होगी तो हमें पेनफुल लगेगी, क्योंकि हम आवश्यकता से और बहुत ज़्यादा अधिक खा चुके होंगे। अब तीसरी स्थिति है, चौथी स्थिति, तीसरी के बाद चौथी स्थिति में जो खाना है वो इनटॉलरेबल हो जाएगा, असहनीय हो जाएगा, शरीर के पार्ट्स जो है उसको इवन इनटेक भी नहीं कर पाएंगे, और हमें वोमिटिंग जैसी स्थिति, उल्टी जैसी स्थिति महसूस होगी। तो ये हो गया इनटॉलरेबल। तो सुविधाओं की इस माध्यम से हम किसी और भी चीज़ों का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं लाइफ में, इवन मनी का भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि किस तरह से, कितनी मात्रा में, कब हमें वो चीज़ ज़रूरी है, और आवश्यकता से अधिक होने पे उसके दुष्परिणाम भी शरीर पे पड़ते हैं। आगे चलते हैं। जो सुख का पैटर्न है, पिछले इसमें सुविधा का पैटर्न देखा, सुख का पैटर्न जो है हमारी लाइफ में क्या है भाई, व्यक्ति जो है हमेशा, जैसा कि पहले बताया गया था, चर्चा हुई थी कि सुख जो है हमें निरंतर चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो कभी भी दुखी रहे, तो वो लगातार सुखपूर्वक रहना चाहता है। तो इस तरह से देखा जाए, जो हमारी फीलिंग्स हैं जिस पे बेस्ड हमारा सुख है, उसका कंटेंट है फीलिंग, जो भाव है, सही भाव है, तो अगर वो भाव हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है, सहज स्वीकृत है, तो जैसे कि रिस्पेक्ट, सम्मान, तो हमें जो है वो भाव लगातार चाहिए। मतलब जैसे रिस्पेक्ट है तो हमें लगातार चाहिए, किसी भी क्षण हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि सम्मान हमारा कम हो, हमें हमेशा हमारा सम्मान बना रहे। तो इस तरह से ये फीलिंग जो हो गई वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है और हमें लगातार चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट उस पे आते हैं पॉइंट पे, कि अगर सुख के केस में दूसरा केस है कि अगर जो फीलिंग है वो हमारे लिए सहज रूप से स्वीकृत नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जैसे कि सम्मान के अलावा अपमान, तो अपमान के केस में जो है हम अपमान किसी भी क्षण नहीं चाहेंगे अपना। तो इस तरह से जो फीलिंग एक्सेप्टेबल है, सहज रूप से स्वीकृत है, वो हमें लगातार चाहिए सुख के केस में, और जो फीलिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो किसी भी क्षण नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सुख का पैटर्न हो गया। अब सुख पे ही रिलेटेड जो है, क्योंकि सुख एक गहन विषय है जिसको जो है लोग कभी सुविधाओं से जोड़ लेते हैं कि सुविधा है तो सुख है, तो इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो उसी पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट फॉर्म में, कि फीलिंग एंड इट्स एक्सप्रेशन, जो फीलिंग्स है और उसका एक्सप्रेशन है, जो कि सुख का पार्ट है फीलिंग, तो वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हैप्पीनेस या सुख का को निर्मित करता है। ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन हमें जो है दोनों की ही आवश्यकता होती है। कैसे, आगे के समझेंगे। तो जैसे कि दूसरा तथ्य ये है कि जो कॉन्टिन्यूटी है, जो लगातार एक सिस्टम है फीलिंग का, तो वो जो है लगातार होना चाहिए। जो हम हमारा भाव है, सही भाव है, वो हमें लगातार जो है चाहिए होता है। हम जैसे सम्मान है तो सम्मान हमें लगातार चाहिए होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है, उसका प्रदर्शन जो है, चाहे वो किसी से हाथ मिला के या किसी को विश करके, वो हमें जो है उसकी ज़रूरत लगातार नहीं है। कुछ समय हम गए, किसी से मिले, प्रसन्नता जाहिर करने किया, उसको सम्मान दिया, तो उतना ही काफ़ी है। मतलब एक्सप्रेशन जो है बॉडी के माध्यम से एक्सप्रेशन किया, और लेकिन वो फीलिंग हमारे में लगातार होती। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीलिंग जरूरी है, एक्सप्रेशन जो है कुछ समय के लिए चाहिए।
ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है, एक कॉन्टिन्यूअस है एक नॉट कॉन्टिन्यूअस है सुख के केस में। समझते हैं इसी को, फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को, सुख के केस में कि अगर हम किसी मित्र से मिलते हैं, आई विजिट अ फ्रेंड, तो वो जो है रिस्पेक्ट हम जब पे करते हैं पार्ट ऑफ फीलिंग, तो उससे जो है हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाना क्या हुआ, रिस्पेक्ट है फीलिंग का एक्सप्रेशन का, जो रिस्पेक्ट की एक फीलिंग है उसके एक्सप्रेशन का एक पार्ट हुआ। तो जो वो जो है कुछ समय का होता है, शॉर्ट टाइम का होता है जो एक्सप्रेशन है शेकिंग हैंड। तो इस तरह से फीलिंग की जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, जबकि जो रिस्पेक्ट है वो आपके मन में है, बनी हुई है, वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है, इसी तरह से सुख जो है क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। आज मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं कम खुश हूँ, आज मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो ये सुख का ये क्वालिटी के टर्म में बात हो गई। सुविधा के जो जैसे कि फूड है, तो भूख आज आपने 3 रोटी खाई, आज आपने 5 रोटी खाई, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो सुविधा इज क्वालिटेटिव। सुख इज इंश्योर्ड बाई राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। जो सुख है वो सही समझ और सही भाव के द्वारा होता है, प्राप्त किया जाता है। सुविधा जो है भौतिक सुविधाओं को सही रूप से आइडेंटिफाई करके ही जो है पूरित किया जा सकता है। जैसे कि अब सही भाव और सही समझ को समझने के लिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। सही भाव का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट फीलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है सुख इंश्योरिंग में। अगर आप किसी अच्छे वातावरण में, जैसे कि एयर कंडीशन रूम में, सोफा एक कंफर्टेबल पोजीशन में, बिग सोफा पे एक फ्रेंड के साथ, जिसको जो कि आपका पूर्व में मित्र है, उसको आप मानते रहे हो, लेकिन उससे वैचारिक रूप से मतभेद है, फीलिंग ऑफ अपोजिशन है, तो उस केस में आप उस तमाम सुविधाओं के बीच में रह करके भी आप जो है अपने आप में अनहैप्पी रहते हैं, लैक ऑफ सुख होता है, क्योंकि वहां पे आपका सही भाव नहीं है। सही भाव का मतलब वहां पे आपके अंदर अपोजिशन का भाव है। तो इस तरह से सुख भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सुविधा भी का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो राइट फीलिंग बहुत ही जरूरी हो गई सुख के लिए, एटलीस्ट सुविधा तो है ही है। इसी तरह से सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, अगर हम किसी एक कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन रूम है, अच्छा इन्वायरमेंट है, रिलैक्स मूड इन्वायरमेंट है, लेकिन हमारा अंदर से अपने में हम परेशान हैं, टेंस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उस केस में जो है तमाम सुविधा होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे अंदर में हम जो है सही समझ की कमी है जिसकी वजह से हम टेंस और डिप्रेस्ड हैं, तो वो जो है कंडीशन में हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते तमाम सुविधा होने के बावजूद। तो सुविधा जो है कभी भी सुख इंश्योर नहीं कर सकती। ठीक है, आजकल मानो क्या होता है, सोचता है कि सुविधा है तो सुख है। तो एक छोटा सा दो एग्जाम्पल हुआ, आपने समझा कैसे सही भाव और सही समझ से जो है सुख इंश्योर हो सकता है। ह्यूमन बीइंग जो है, जो मानव है, उसको जो है दोनों ही चीजें चाहिए, सुख और सुविधा, और कोई भी दोनों चीज जो है वो एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि एक शरीर की आवश्यकता है सुविधा, और जो सुख है वो मैं की आवश्यकता है, जो आपकी फीलिंग बेस्ड है आंतरिक मन से। ठीक है, तो जैसे कि आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं और आप वहाँ पे अपेक्षा करते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट दे और साथ में एटलीस्ट पानी वगैरह जो है वो पूछे, अगर आप प्यासे हैं या भूखे हैं तो खाना भी या कुछ स्नैक्स वगैरह भी, तो इस तरह से जो है आप जो है मित्र के केस में जो है जब विजिट करते हैं तो आपको सम्मान भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए। तो एक शरीर की आवश्यकता, एक मन की या आई की आवश्यकता है। ठीक है, और दोनों को ही प्राप्त करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एक फिजिकल फैसिलिटीज के सुविधा जो है फिजिकल फैसिलिटी से आता है, और सुख जो है सही समझ और सही भाव से आता है, राइट अंडरस्टैंडिंग से आता है।
लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। सोचते हैं सुविधा मिलेगी तो सुख मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए हमें अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क सेपरेटली फॉर सुख एंड सुविधा, एंड प्रोग्राम्स ऑल्सो आर डिफरेंट। तो हमें ये देखना होगा कि हम आज के समय में, वर्तमान समय में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ज़्यादा समय दे रहे हैं। ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं वर्किंग फॉर फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता है, और सही समझ और सही भाव पे कम काम कर रहे हैं, जो कि जरूरी है सुख के लिए। सुख अगर ये चीज़ नहीं है तो सुविधा का भी हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक, तो आई होप कि मैंने जो है, जो इस लेक्चर का, लेक्चर 8 का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर कर दिया, कि किस तरह से आई और बॉडी की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं, और सुख क्या है, सुविधा क्या, अच्छे समझ लिया आपने। तो ये आपके जीवन के लिए भी आवश्यक होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, कृपया जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उसका जो है समय आने पे या समय मिलने पे मैं आपको जो है उसका उचित एग्जाम्पल के साथ उसका सोल्यूशन भी दूंगा, आंसर भी दूंगा। थैंक यू।